अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स एकदम ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद मैं अपने डायमंड डव की प्रोग्रेस दिखाने जा रहा हूँ आपको। जैसे कि तो एक वीक हो गया तकरीबन इस बात को, पिछली वीडियो को, तो मैंने सोचा आपके साथ अब जो है प्रोग्रेस शेयर की जाए, क्योंकि जब मैंने इसको शिफ्ट कर रहा था अपने केज को ऊपर, वो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा ये केज मेरे नीचे रखा हुआ था, तो फिर मैं इसे ओपन एरिए में लेके आया था ताकि जहाँ पे इन्हें धूप लग सके। धूप लगने से जो है मज़ीद मेरे और पेयरिंग बनी है और पेयर भी सेटिंग में आए हैं। तो उस वक्त जो है मैंने थोड़ी सी चेंजिंग्स वगैरह भी करी थी पेयरिंग में, क्योंकि पेयर लग नहीं रहता, तो मैंने जो है चेंजिंग इस तरह से करी थी कि किसी के मेल को कहीं और शिफ्ट कर दिया था, किसी की फीमेल को कहीं और शिफ्ट कर दिया था, ये भी थोड़ी चेंजिंग्स वगैरह की थी। तो मैंने कुछ पेयरिंग बनाई थी और इसमें से मज़ीद कुछ पेयर मैं परचेस करके लाया था, दो उनको रखा है और एक मेरे पट्ठा भी लेके आया था जो फीमेल थी, उसकी भी पेयरिंग करी थी मैंने। काफ़ी सारी चेंजिंग्स करी थी, मैं डिस्कस करता रहता हूँ आपके साथ। और माशाल्लाह से ये हुआ है कि तीन पेयर जो थे जिन्होंने अंडे दिए हुए थे जब मैंने शिफ्टिंग करी थी, उसमें से एक पेयर के अंडे जो थे वो ख़राब थे, तो मैंने अभी जाके हटाए, तकरीबन कल ही वो अंडे मैंने हटा दिए। नहीं तो अगर मैं चाहता तो बीच में भी हटा सकता था, थोड़ा टाइम भी शॉर्ट था और मैंने सोचा चलो अभी पड़े रहने दें, क्योंकि नई जगह पे सेटिंग में आ रहे हैं। तो मैंने नोट कराया उन्होंने बैठना छोड़ दिया, वैसे अगर लाइट मार के भी चेक करें तो उससे भी आइडिया हो जाता है, पता लग जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ब्रीडिंग प्रोग्रेस जो आई हुई है और किस पेयर ने अंडे ख़राब करें, वो सब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर ऊपर जो तीन पेयर हैं माशाल्लाह से ये कुछ सेटिंग में आए हुए, देख सकते हैं नेस्टिंग पे बैठ रहे हैं। यहाँ पे लाइट फोन कलर का पेयर है, ये देख सकते हैं मेल बैठा हुआ, ये मैंने चेक नहीं करा क्योंकि ये ऊपर से कवर हुआ हुआ है कि इन्होंने अंडे दिए हुए पिया है नहीं दिया है, लेकिन ये नोट कर रहा हूँ कि वे बैठ रहे हैं नेस्टिंग पे, तो हो सकता है शायद अंडे दिए हों, शायद की बात है लेकिन कंफर्म नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे दो पेयर जिन्होंने अंडे दिए हुए थे नीचे, उनके मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे एक बच्चा है, आपको दिखा सकता हूँ मैं, एक बच्चा निकला हुआ है और एक अंडा जो है ख़राब हो चुका है, एक ही बच्चा निकला है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी दो बच्चे निकाले हैं, क्योंकि सुबह में जब मैं दाना पानी रखता हूँ तो ये आ जाते हैं, तो क्लियर व्यू एग्जैक्टली देखने को मिल जाता है। इसने भी दो बच्चे निकाले हैं, मैं इसके बच्चे भी सेम टू सेम उसी की तरह है। कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा दूँ, क्योंकि वीडियो ही ब्रीडिंग प्रोग्रेस पे बन रही है, तो आपको ब्रीड दिखाना चाह रहा हूँ मैं, वही दिखा देता हूँ। अगर ये मेल अगर थोड़ा सा हट गया हो सकता है, मैं आपको दिखा पाऊंगा। फिलहाल ये हट नहीं रहा, कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये डरता नहीं है। ये देखिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मोबाइल के साथ मैंने इसे थोड़ा डिस्टर्ब करा, लेकिन ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए, फर्स्ट टाइम डिस्टर्ब कर रहा हूँ, क्योंकि तो नई जगह में नए सेटअप में ये मेल बैठा होगा। तो दिखा दिए माशाल्लाह से, इसके दो बच्चे निकले हुए यहाँ पे, और इसी तरह से एक पेयर जो यहाँ नीचे था जिसने अभी अंडे दिए हुए थे जब मैंने सेटअप को शिफ्ट करा था ऊपर, उसने भी अंडे दिए हुए थे यहाँ पे इस वाले पेयर ने, तो इसने अंडे ख़राब कर दिए, तो ये बैठा नहीं अपने अंडों पे ख़राब करने के बाद, तो मैंने अब फेंक दिए। इसी तरह से यहाँ पे क्रॉस पेयरिंग करी थी मैंने इस जगह पे, और ये पेयर भी एक मैं परचेस करके लाया था, माशाल्लाह से अच्छी एज का पेयर है, देख सकते हैं डार्क रिंग है इन दोनों के, ये भी अभी कुछ दिनों से मैं इसे नोट कर रहा हूँ। यहाँ पे मकसद क्या है ब्रीडिंग अच्छी का, कि यहाँ पे धूप पड़ती है, धूप जितनी ज़्यादा पड़ेगी उतना अच्छा है। ठीक इसी तरह से ये पेयर भी मैंने क्रॉस पेयरिंग करी थी, सेटिंग में आ रहे, और यहाँ पे कुछ चार पीस एक साथ छोड़े हैं, दो पेयर जो सेट हो जाए। इसी तरह से यहाँ पर भी ये जो फोन कलर में फीमेल है, मेल फुल अडल्ट है, फीमेल थोड़ी कम एज की है, तो कंफर्म तो हो गया है, रिंग से आइडिया भी हो गया है कि ये फीमेल है, तो पेयरिंग बनेगी यहाँ पे भी।
और ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी कोने पे भी एक पेयर सेटिंग में नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कि इंशाल्लाह एक एक डेढ़ हफ्ते में यही होगा कि मैं फिर चेंजिंग करूँगा इन तीनों पेयरिंग की, कि किसी को इधर से मतलब मेल फीमेल यहाँ वहाँ एडजस्ट करके कि पेयरिंग बन जाए और जल्द से जल्द ब्रीड मिल जाए। ब्रीडिंग फार्मूला कुछ भी नहीं दे रहा अभी फ़िलहाल, बिल्कुल नॉर्मल रखा हुआ है, नॉर्मल डाइट पे रखा हुआ है। एक चीज़ देना है इन्हें ज़रूरी जो मैं दे नहीं पा रहा, वो है समुद्री चाक, वो अगर आप लगा दें तो अच्छा है, क्योंकि मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। अभी थोड़ी सी मार्केट में शॉर्ट है, जिसे अवेलेबल हो जाएगी और मुझे टाइम मिल जाएगा मैं इन्हें समुद्री चाक भी लगा दूँगा, और किस तरह से लगाऊँगा वो भी मैं आपको दिखाऊँगा वीडियो में। अगर आपको मिल जाए तो आप रख भी सकते हैं ट्रे पे, अगर ट्रे पे नहीं रखना चाहें तो आप उसे सेंटर में होल करके तार से उसे बांध के आप उसे जाली पे भी लटका सकते हैं, एक पेयर के लिए एक पीस। तो बस यही था आज की वीडियो में, आपको दिखाना चाह रहा था कि कुछ प्रोग्रेस आई है वो भी आपको दिखाऊँ, और कुछ न्यू पेयरिंग करी थी वो भी माशाल्लाह से। कोशिश करता हूँ कि अगर यहाँ पे देखता है सके तो इसने अंडे दिए हुए भी या नहीं दिए हुए, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं साइड से इस वाले पेयर को। देख सकते हैं व्यूअर्स, मुझे तो खैर बराबर से देख नहीं रहा क्योंकि दीवार की वजह से, लेकिन वीडियो में जो भी होगा अंडे दिए हुए होंगे या नहीं दिए होंगे वो पता लग जाएगा। ये अभी थोड़ा सा मैंने देखा है, दो अंडे दिए हैं माशाल्लाह से, पेयरिंग बन चुकी है, इसने भी दो अंडे दिए हैं। इसके साथ पहले मैंने क्रॉस पेयरिंग करी हुई थी स्टार्टिंग में, तो ये पेयर नहीं बन पा रहा था। जब मैंने इसे दोनों को मेल फीमेल को एक जैसा ही करके लगा दिया फोन में, जैसे कि फोन टेल में पेयर है, वाइट टेल में नहीं है, फोन कलर में माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे साइज़ का, और इसने भी कुछ दिखा दिया ब्रीडिंग प्रोग्रेस। ये भी ब्रीड करता हुआ पेयर लाया था, इंशाल्लाह ये भी सेटिंग में आ जाएगा, हो सकता है इसने भी अंडे दे दिए। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी प्रोग्रेस आ रही है डायमंड डक की। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, जो व्यूवर्स मेरे चैनल में नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मैं बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके मोबाइल में बहुत आसानी से पहुंच सके। ये इस तरह से सेटअप लगाया हुआ है छोटा सा, इंशाल्लाह फिर आगे मज़ीद एक्सटेंड करेंगे, बड़ा करेंगे, वो भी आपको साथ शेयर करेंगे। ओके व्यूअर्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।